रिकॉर्डिंग। इस वक्त हमारे साथ मेहमान है मनीष साहब, ठीक हो सर? सलामकुम भाई साहब, ओके स्वीट हमारे ओकाड़ा के हीरो, बहुत जबर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं सर। आराम सर, आराम ममताज सर, और अब सर के बैठे एक दो घंटे पहले या देखेंगे जो अंदर अभी बारिश बहुत हो रही थी, आप पहले फॉर्म पे उबेर वो वहाँ पे जो पहला हिस्सा था उसके साथ ऐसे तीन और प्लाट थे वो जल जाती है, वो जो प्लाट आप देख के आते वहाँ से हम 25 माह वाली एलोवेरा जेल भेजते। 25 माह में जो जेल निकलती है लीव की वो मिनिमम आप लोग यूज़ करते हैं ब्रेन ट्यूमर के लिए, लिवर ट्यूमर के लिए। किसान इतना टाइम फोर्ड नहीं करता, किसान की जितनी लगी होती है उसमें से दो तीन हम लाइनें छुड़वा देते हैं, बाकी उसकी काट के 11 माह के बाद उसको पेमेंट देते रहते हैं। एलोवेरा की उपज बढ़ती है मिनिमम आपको 11 माह से कम वाली किसी मेडिसिन में यूज़ नहीं होती। तो नीचे से आपने देखा होगा प्लांट्स निकल रहे हैं वो साबन मोशन पे जाते हैं, यहाँ देखेंगे जो एक्यूरेट निकल है ये 30 इंच का बैठ है, लेफ्ट और राइट पे दो लाइनें जा रही हैं। हम शुरू में 2016-17 में, क्योंकि हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैं ट्रेनर हूँ डॉक्टर हूँ, तो ये हम लोग क्या करते थे तो आम नॉर्मल बेड बनाते थे, उसमें इनकम 6 लाख से ऊपर नहीं जाती थी, इस पर इनकम 11-12 से पहले साल ही चली जाती है, दूसरे साल इसको कोई मसला नहीं है। वो जो आप फार्म देखे हैं ना जो आप बारिश पे वहाँ आगे जाते हैं तो आगे 10-10 किलो वाले 12-12 किलो इसमें से कटिंग हुई अभी, क्योंकि हम 2 माह 2.5 माह करते रहते हैं, दूसरे साल तीसरे साल तो इसको कोई ताकत अल्लाह के अलावा रोक नहीं सकती बढ़ने से। ये जितना हैवी होगा, जितना बचेगा, जितना बढ़ेगा उतने ही इनकम बढ़ेगा। अच्छा, इसके दरमियान में हम सब सरों लगा देते हैं, साइडों पे हम क्या लगाते हैं प्याज। इसमें हमने जो आगे प्लाट आप गए ना, जो आगे जहाँ खड़े थे वहाँ सिट्रस है। अच्छा, इधर वाले में 180 अमरूद लगा हुआ, इधर लेमन लगा हुआ, लेकिन इसमें क्योंकि ये दो मेरे कमर्शियल प्लाट्स हैं इनमें मैं फ्रंट पे दुकानें बनाऊंगा ताकि इसकी दुकानों की जो अर्निंग है उससे फार्म ऑटोमेटिकली खुद ही रन करे। अच्छा आइएगा, यहाँ पे देखिएगा वो जो मिट्टी डलवाई है वहाँ 3-स्टार होटल की बिल्डिंग बनेगी, नीचे खाने वाला होगा, ऊपर रूम, ऊपर से इसके साथ अटैच होगा ये नीचे स्विमिंग पूल जो ना, इसकी दीवारों में भी स्ट्रॉन्ग सरिया डाला गया, बहुत करीब ये पिलर्स जाएंगे, ऊपर 10 रूम बनेंगे, इधर 7 ग्राउंड और ये सारी टपटें लग जाएंगी। ये सड़कें भी स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया, इसमें ये जो 5 एकड़ एरिया होगा इसमें बंदा ऊपर भी गाड़ी पे फिर सकेगा, अंदर भी मूव कर सकेगा, कोई भी टीम रहती नहीं, ठीक है। बाकी इसके साथ जो मुलका लगता है वो उसी तरह भी कच्चा है, लेकिन उसमें से भी मेरी कोशिश है कि 20 एकड़ को मैं फ्यूचर में पक्का कर दूंगा, ठीक है। यानी कि ये 25 एकड़ तक ये फार्म सड़कों पर मूवमेंट वाला होगा, बाकी फार्म जो होगा ये 75 एकड़ जो होगा वो कच्चा ही रहेगा। ये इस वक्त ये जो यहाँ किस्म लगी हुई है, अगर कोई इतनी बारिश नहीं, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आइएगा सर। यहाँ पे जो सर चीज आपने देखने वाली है, ये देखिए यहाँ डीकम्पोज दे रहे हैं, डीकम्पोज की वजह से इसके प्लांट देखें कितने निकल रहे हैं नीचे से, इसकी ग्रोथ देखें, ये 10 निकले तो 12 लाख इनकम है, वो 20 निकले, अगर इसके 20 निकल सकते हैं तो आपके भी निकल सकते हैं। अभी इसको हम जानबूझ के वो खुराक नहीं दे रहे क्योंकि इसका भी 8वां मंथ है, फिर इसका 10वां मंथ होता है फिर पोटाश देते हैं ज़्यादा जो नेचर। इधर देखिएगा वो हमारा ये वाला जो बना हुआ है, ये बना हुआ गटर, इसमें सीवरेज में से उधर से पानी आता है, वहीं से खादें मिक्स होती हैं, पूरे में खादों के जरिए से जाता है। ये स्विमिंग पूल का जो पानी है ये भी TDS मिनरल वाटर के बराबर है। ये वाला जो प्लाट है इसमें 15 बार पौधा लगा हुआ है एलोवेरा, लेकिन इसमें 180 के करीब आगे इसमें 180 के करीब लगे हुए हैं अमरूद, और साथ साथ इसके अंजीर भी है, फालसा भी है, फालसा जी ये इसके लिए कि जितने भी यहाँ आया करेंगे ना विजिटर्स वो यहीं से फल खाएं। यहाँ पाकिस्तान का हर फल यहाँ पे लगा हुआ है अभी। अच्छा, मई जून जुलाई अगस्त हम इसमें से घास नहीं निकालते, अब घास निकल रहा नीचे से पौधा फ्रेश निकल रहा है, अगर घास निकाल देते तो ये कमज़ोर होता गर्मी से, ये घास निकल में फ़ायदा देता है, गोटी के भी पैसे बच जाते हैं, नहीं गिरते ये पक्का है। ये देखें इसकी पोजीशन देखें, अच्छा जहाँ पानी कम जा रहा है ना वहाँ देखिए इसकी ग्रोथ जल्दी होती है। जब आपने बेड बनाना है तो खालियाँ थोड़ी सी गहरी बनानी है इसके, अभी क्योंकि इसमें अभी घास निकालेंगे साल में एक दफ़ा हम कहीं के साथ ना इसकी जो खालियाँ थोड़ी लूंगी कर देंगे मिट्टी पर, पानी इसके साथ नहीं लगना चाहिए, लग भी जाए होता कुछ नहीं है, जड़ों के साथ लग भी जाए होता कुछ नहीं है, लेकिन अगर ना लगेगा पानी ऊपर चलेगा तो 30% इनकम बढ़ जाती है। देखिए ऊपर इनकम ज़्यादा है, वो देखिए ग्रोथ ज़्यादा निकल रही है,
अभी इसकी ये सफाइयाँ हो रही ना, एक महीने बाद आप इसको पहचान नहीं सकेंगे, जो घास साफ हो गया ये स्टैंड हो जाएगा। और इसके ऊपर जब मट्टी लगनी है इसकी बड़ी स्पीड ली, जैसे उसकी ग्रोथ हो रही ना, अभी हमने जो ही इसको अपनी नेचुरल पोटाश देनी है इसकी ग्रोमिंग शुरू हो जाएगी। इसके अंदर लेमन लगा हुआ बहुत ज़्यादा, उसके अंदर सीट्रस लगा हुआ, उधर अनार, और ये सारा घास समझे हमें इसकी मल्चिंग मिली हुई। ये बरानी इलाकों के लिए डेमो, ये देखें इसकी पोजिशन, देखें ये पौधा आठवां में इसकी पोजिशन पीछे कितनी हो चुकी है। ये दिसंबर में मैंने जगह ये खरीदी थी, इसका मेरा और है जो अच्छी जगह जो लगाना है, वो कितना बड़ा होता है? पूरी दुनिया में 6-7-8 8 इंच से ऊपर पौधा नहीं लगाना जो वो जल्दी ग्रो नहीं, 6-7-8 इसमें ये इंटरनेशनल कानून है। वो आपने जगह लगाया हुआ है तो वो तो हर जगह वो जो जहाँ हम गए थे ना वहाँ से 3 लाख पौधा हर 4 माह बाद निकालते हैं, वहाँ ब्रीडिंग फार्म है। इसी तरह मियाँ वाली में जो ब्रीडिंग फार्म है वो 2 लाख पौधा देता है, इस तरह मानसरे वाला जो 6 लाख देता है वो हम देते हैं केपी पे ठंडे राज्य, इसी तरह जंग में 10 एकड़ में ब्रीडिंग फार्म बना दिया है। ऐसे ही मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो मेरे ब्रीडिंग फार्म्स हैं 7 हैं जिनसे हम प्लांट देते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा पौधा वो देता है, वो साल में 9 लाख देता है, वो बहुत बड़ा फार्म है। लेकिन ये वाला जो है ना ये इंशाल्लाह एशिया का सबसे बड़ा ब्रीड फार्म है, और इसकी वजह से यानी कि दुनिया में पौधे की कीमत $15 पे भी चली जाए हमें 80 रुपये में देने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रीड फार्म जब हम लगाते हैं तो ये 1 करोड़ 20 लाख में लगता है, किसान को दूसरा 5 साल तक तो हमारा राइट है ना वो हमें दे, ठीक है उसमें भी उसको रेट अच्छा देते हैं। इसको कोई खाद कोई स्प्रे तो अलाउ नहीं है, इसको 4-5 किलो बिट्ठे डाल दे पानी में, उसमें हम बिट्ठे डाल देखिए। अच्छा इसके बाद गोबर 4-5 बट्ठल महीने में 4-5 बट्ठल चाहिए, एक मन सुबह चाहिए, सुबह जो शेलर से फ्री मिलती है, लकड़ियों की भी होती है शेलर की भी डाल दे सुबह से, ये बहुत स्पीडली मूव कर बाग में इसकी स्पीड देखे ना, वो छाँव के और नुकसान कोई नहीं है, लेकिन ये है कि छाव में इसकी कुछ 10-15-20% इनकम बढ़ जाती है। वो देखिए सड़क के ऊपर भी ये लगा हुआ है डेमो के लिए, ये बरानी इलाकों के लिए लगाया गया है, वो भी फ्रेश है, तो भी ज़बरदस्त है। ये सारा ऐसा एक महीना पहले सारा ऐसा ये परफेक्ट होता है। अभी इस पर इन सड़कों पर अभी हम ऐसे फिर रहे हैं ना, इन सड़कों पर अभी पलवीनियाँ लग जाना, इधर भी संदर लग जाना सारे में, संदर सारा चल जाएगा ऊपर। लेकिन इसके मार्च में आप इसकी शक्ल ही और देखेंगे। इन 8 माह में हमने ज़्यादा पैसा लगाया इस पर, स्विमिंग पूल पे, सड़कें बनाने पर पौधा लगा देते। अभी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है पीछे हम इसको पौधों को बढ़ाते जाएंगे, पीछे हमें सिर्फ पौधे अब लगाने हैं, वो इसकी रेनोवेशन पर ज़्यादा पैसा लगे। ये जो जगह है ये वाली, ये एक तो शहर से 4 किलोमीटर दूर है, जीटी रोड से भी 4 किलोमीटर दूर है, काड़ा कैंट से भी 5-6 किलोमीटर दूर है, ये इस पे आना इजी है। और मेरा जो ट्रेनिंग हेडक्वार्टर जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लोग ब्रीडिंग के लिए आते हैं नौजवान, बस आपके जब एलोवेरा लग जाए ना, हर महीने आपको हम 2 सीटें दिया करेंगे, उसमें आप पाकिस्तान के किसी कोने में भी जो बच्चा जिसके पास वसायल नहीं है वो पढ़ने हाई लेवल की टेक्निकल स्किल नहीं ले सकता, उसको हम जिंक पे कैल्शियम पे आयरन पे फोलिक पे हर, क्योंकि जिस्म में गज़ा की कमी बीमारी है, कुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी बीमारी है, उसको हम उन चीज़ों पे सिखाएंगे। प्लस इधर आइएगा, इधर आइए आप पीछे भी देखें, वो साथ साथ वो पूरा इनके ऊपर इनके यूज़ पे यानी कि ज़मीन को बचाने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो भी सीखेगा, जो इंसानों को बचाने की नॉलेज वो भी सीखेगा, फिर वो फेसबुक में यूट्यूब के अंदर गूगल में कैसे काम करना है, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को कैसे डील करना है, 1-to-1 कैसे डील करना है, समझ आ गई। पब्लिक डॉक्टर को डील करने के लिए मसलन हम एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं, अब मैं डॉक्टर को डील करूंगा तो वो कहेगा वी प्रीपेयर द एंटीऑक्सीडेंट फ्रॉम द एलोवेरा एंड वी आल्सो प्रीपेयर द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोडक्ट थ्रू द एलोवेरा। लेकिन जब आम बंदे को डील करेगा तो वहाँ ये नहीं कहेगा, वहाँ वो यही कहेगा कि हम लोग मेदे को बढ़िया को ठीक करने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं और खून को पतला करने के, यानी कि वो जनरल पर्सन को भी और मेडिकली भी डील करते थे। इसके बाद सबसे बड़ा स्किल के बाद अगला मसला होता है कि उसके बाद वसायल हों। इस वक्त पाकिस्तान में 60 करोड़ प्लस की हमारी इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्ट्स की, आप एक बंदे को 1 लाख का स्टोर बना देते हैं उतनी चलती शॉप, 10 लाख का उतना चलता है, 1 करोड़ का उतना चलता है, हमारी 60 प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का स्टॉक मिनिमम 10 मिलियन का अवेलेबल होता है, यानी कि वो खुल के काम कर सकता है।
और वो बेहतरीन है कि वो अपने घर में अपने माँ बाप के पास रहे, फैमिली के पास रहे, उनकी खिदमत भी करे, शाम 7 से 9 काम करे और सुबह 6 से 7 काम, 3 घंटे एनएफ है, वो अपनी अर्निंग अच्छी कर सकता है। दो किनाल वाला हमने जो पैकेज बनाया इन लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, तो अपने माँ बाप को चाहिए कि रिश्वत दे के नौकरी लगवाने की बजाय 2 लाख 10 लाख रिश्वत बचाएं, जानना भी उससे भी बचें, 2 लाख 40 में प्लाट लगा दें, उसमें वो अपनी सब्जी भी उगाए, साइडों पे सारे देखें, अभी भिंडी ख़त्म की होगी, वहाँ कुछ ना कुछ पौधे नज़र आ जाएंगे, उसके लगी हुई थी भिंडी, उधर भी लगी हुई थी, अच्छा भिंडी भी लगाए, साइडों बीच में प्याज भी लगाए, लहसुन भी लगाए, और सब एक किनाल में 1500, 2 किनाल में 3000, और 2 किनाल की जो एवरेज है ना नौजवान की, 3 किनाल में 45, हाँ जी, और 2 किनाल की एवरेज 45 से 50 विदाउट बाकी पर भी, अगर वो 40 से ऊपर ही बनती है, अगर वो बाकी फसलें भी लगाता है तो डेफिनेटली जो उसमें जो रेट होंगे तो वो बंदा आसानी अपने घर को चला सकता है। तो रिश्वत दे के भी जो नौकरी मिलती है ना वो कोई 25-30-35 में मिलती है, और फिर वो काम भी उसने वैसे ही करना है। आप तो इतनी जगह पर अच्छी जगह पर एस पी हो रहे हैं, आपको पता है वहाँ क्या हालत होती है। आइएगा जी, अभी आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं जो आपके जहन में आते हैं। लगाने के लिए हमें बीज चाहिए बोलेंगे आप। हाँ जी, लगाने के लिए बीज से पहले आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है 1200 इस काम को, आप अपने शहर से भी ले सकते हैं, उसमें मेरा और आपका शनाख्ती कार्ड लगेगा, वो शीख हमारी दो ही है, खास स्प्रे वाली और 5 साल वाली, बाकी आप अपने लीगल एडवाइज़र से, वैसे शीख हमने किसान के अकॉर्डिंग टू उसके राइट के मुताबिक लिखी हुई है, आप अपनी मर्जी से कुछ शीख पूछना चाहें हमें बता दें, वो डाटा आपको दे देंगे। अभी इसके बाद आपको 6 से 7 दिन में पौधे मिल जाते हैं, 6 दिन इसलिए लेते हैं कि हम स्प्रे करते हैं खास अपनी एलोवेरा की खाद की बनी हुई, उससे ये कि फंगस नहीं लगता, ग्रो पर अच्छा करता है, वो फ़ायदा होता है। सर्दियों में हम 21 दिन लेते हैं क्योंकि उस वक्त पानी डेफिनेटली 7 दिन बाद आता है, इन दिनों में 2-2 दिन बाद भी की जा सकती है, ठीक है, उन 6-7 दिन में आपको पौधे पहुँच जाएंगे। अकाड़ा से आपके शहर तक का रेंट है, हमने पाकिस्तान में 350 बसेज के साथ एग्रीमेंट किया है, बसेज में डिग्गी में हमारा पौधा महफूज जाता है और इंतहा सस्ता जाता है। मानसरा में यहाँ से 60,000 में गाड़ी जाती थी, अब 8,000 में उतना पौधा चला जाता है, कटिंग भी आ जाती है, पहली दफ़ा आपको किराया लगना, बाकी जब भी 9 माह बाद 10 माह बाद जब कटिंग शुरू होती है ना, हर 9 माह बाद उसमें आधा किराया कंपनी पे कटती है। 7 हब पाकिस्तान में बना दिए हैं ताकि करीब 3 किसान को कम से कम किराया, कलेक्शन सेंटर जंग में बन गया, कलेक्शन सेंटर पाड़ा में है, लाहौर में है, वज़ीराबाद में बन रहा है, इस तरह मानसहरा में है, मेवाली में है, कितने आगे देना पड़ेगा? नहीं नहीं, उधर ही आप उधर बस में रखवा जाओ फ्री है, उधर अगला कटिंग कौन करेगा? तो कटिंग भी देखें, कटिंग और लगवाना ये दुनिया में सबसे आसान काम है, इसकी कटिंग, ये पत्ती है, जो पत्ती तैयार हुई होती है यहाँ से छुरी से कट हो जाती है, मैंने काटे हैं, हाँ जी आसान है बिल्कुल। अच्छा, लगवाना जब आपके बेड बने होते हैं वीडियो कॉल पे हम एक बेड लगवा देते हैं, यूँ हल्की सी मिट्टी यूँ करें, क्योंकि इसको आपने अगला काम क्या करना है, 2 सीने मारनी अच्छी, उसके बाद रूटर और फिर उसको लेवल करवा लेना, क्योंकि इसने 40 साल दिखाई, ट्रैक्टर नहीं जाना इसमें 40 साल, ताकि ईजी रहे, ट्रैक्टर हल्का पानी में खुद ही पहुँच जाए। इसके बाद अगला काम आपने क्या करना है कि इसके जो बेड बनाने, बेड बनाने से पहले अगर एक दफ़ा सुहागा मार के ऊपर एक सींग मार के बना ले तो और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, तो कई लोग नहीं मारते सुहागा, वैसे भी कर लेते, कोई इतना मसला नहीं है, पौधे लग के इसको पानी 10 दिन बाद लग जाए, बदलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम डे पानी। एग्रीमेंट में क्या लिखते हैं कि आपको कितने टाइम बाद मतलब आप हमसे देंगे? 11 माह तक इसकी पत्ती यूज़ के काबिल नहीं है, मेडिसिन में यूज़ नहीं होती, ये 12वें माह के बाद यूज़ होती है, ठीक है? नीचे से जो लीव निकलती है वो हम साबुन में शुरू करते हैं, एग्रीमेंट के मुताबिक आपकी जो ही आप बल्कि आपसे ज़्यादा हमें जल्दी है, क्योंकि इसके जितनी जल्दी निकलेगी डेफिनेटली अदारी को इतना फ़ायदा है, सेल टीम को इतना फ़ायदा। आप शुरू में हम देते थे 26 रुपये रेट, फिर 28 कर दिया, फिर 32 कर दिया, हर साल जूँ जूँ हमारी आगे तरक्की हो रही रेट हम खुद बढ़ाते हैं, किसान को परेशानी की बात है। बड़े पौधे का तो कोई फायदा नहीं, बड़ा पौधा तो एडजस्ट ही नहीं होता, और बड़ा पौधा इस वक्त आप लेंगे तो 1480-1500-1600 बल्कि 1900 से भी कम पॉसिबल नहीं है। और हमेशा पूरी दुनिया में जो कानून है इसका, जो इसकी जो थ्योरी है पॉटनी की, कि ये 6-8 इंच में लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी रूट्स बड़ी जल्दी एडजस्ट करके फिर काम करती है। कुछ जगहों पे 700 ग्राम के अंदर ऐसे दरख्त लगा रहे हैं, हाँ जी ये तो हमें खुदी उगे हुए ना, ये यहाँ थी पहले, हाँ जी ये खुद ही उगे हुए, आपने वो लगाने जो हमें आपको फल भी देंगे। अब मसला मेरे जो फार्मर हैं सबको हमने पता क्या समझाया हुआ कि हमने उन्हें क्या 5 मार्च लगा दो, 5 किन्नों, 5 अमरूद, हर तरह के 5 पेड़ लगा दो, एक एक जो है ना नींबू भी, एक एक जो है उसका लंगर बांटो माँ बाप के नाम का, 4 खा जाओ, बेच दो खा जाओ,
और देखिए खुमस देना चाहिए, देखिए सत्ता खराब देना चाहिए, उशर देना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपका निकलता जाएगा। और एक और हमने काम किया है कि हमारे मैक्सिमम फार्मर्स जो ना दूर हैं घरों से, हमने उन्हें एक एक बंदा उन्हें का रखे साथ, उस बंदे की जो मियाँ बीवी हैं और बेटा बहू, जो बहू है और बीवी है घास उठा लेती है, खामद और बेटा जो है निकाल लेता है महीने, उनको साथ 30% प्याज में दे देते हैं, 30% सरों में दे देते हैं, 30% लहसुन में दे देते हैं, वो भी खुश है और ज़मीन से वाला भी साथ, यानी कि एक घर को आप सरपरस्ती भी देते हैं। आप अपना बताइएगा, आप आज ट्रेनिंग हेडक्वार्टर में आए, यहाँ आए कैसा लगा आपको? पहले तो फार्मर्स को बताया कैसा लगा, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये कोई यूट्यूब पे वैसे गली बात है या प्रैक्टिकली काम है, ये जरा बताएं इनको। आना चाहिए ना, आप देखिए आपने एक SDO रहे आप वाघा में, एक बड़े पाकिस्तान के सबसे सख्त अदारे में रहे, तो आपने ऊंच नीच देखी, दुनिया को बढ़ते बढ़ते देखा है, तो इनको क्या कहेंगे? घर में जो बैठे बैठे रहना चाहिए, आना चाहिए, बहुत अच्छा काम है, आना चाहिए, देखना चाहिए। पाकिस्तान भर से जो लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, यही लोग घर में बैठे ना वो फतवे लगा रहे होते हैं ये बस यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जो हम देख रहे थे सारे रोजाना देखते हैं इसको, लेकिन जो आगे देखा है ये और बात है। देखिए इतनी बारिश में आपकी एज कितनी है? 72। इधर आए जी आगे जरा, ये इधर आ गया है, ये SDO है बाबला के, 72 साल के हैं, और बारिश के अंदर मेरे साथ पहला फॉर्म भी विजिट किया और ये भी फॉर्म विजिट किया, इनके लिए भरपूर क्लैप होनी चाहिए, ये जज्बा ये एनर्जी होनी चाहिए। हम बातें ज़्यादा करते हैं काम नहीं करते, तो इनको ये जो आपको पीछे कौम नज़र आ रही ना, ये 610 घर हैं पूरे पाकिस्तान में, इनको ये मांगते होते थे, मुसलमान नहीं थे, कोई कीदा नहीं था कोई, अब ये मुसलमान हो चुके हैं, इनको कारी रख के दिए, टीचर रख के दिए, लोधरा में भी इनको मैंने, शालकोट में भी ग्रुप है, रानिया में भी है, ये मेरे हर फार्म पर आपको जो नज़र आएंगे ना वो न्यू मुस्लिम है, अब ये मांगते नहीं अपना पकाते, इनके चूल्हे बन गए। जी कलमा सुनाओ ज़रा। अच्छा उस फार्म पे गए थे वो बाबा मीन है, उसकी सारी औलाद उस फार्म पे है, ठीक है, ये इसके बेटे हैं, ये भी इसका बेटा है, ये भी इसका बेटा है, ये इसका कज़न, इसकी मिसिस का साथ जो बहन का खामद है, ये इनको एक एक प्लाट दे दिया गया। इसमें अब इन सबको मैं पलवीनिया और इनके लिए मैंने संदल और वो लगा के दे रहा हूँ, 26 पौधे। मैंने कहा ये आगे पहले भी 7 साल आप लोग मांगते ही रहे ना, अब उन 7 साल वो जो एलोवेरा से अर्निंग आएगी वो तो इनको देनी देनी है, प्याज से भी, वो संदल से जो आनी ना इनकी कम से कम एक एक बंदे का ना वो जो मुझे बचना बचना ही है, इनको कम से कम 40 से 70 लाख बचेगा, उसका मैंने कहा घर बनाओ, बच्चों को एजुकेट करो, घर बनाओ, और उनमें से एक एक पौधा इनको मैं दे रहा हूँ लगा के पलवीनिया का, वो 4 साल काट देंगे, वो महंगा बिकता है। उसमें मैंने कहा कि आपको जहाँ जहाँ मैं ज़मीन ले रहा हूँ वो इनको बैठा रहा हूँ, साथ इनको मैंने कुछ जगह इस तरीके से दे दी, अपना कमरा बनाया, अभी पीछे जहाँ इनको जगह खुली जगह इनके पास अवेलेबल है, जहाँ चाहें ये बैठ सकते हैं, ये नहाते नहीं थे पहले, अब नहाते हैं, ये पहले कपड़े अब ये इनको जैसे आपने खूबसूरत कपड़े पहने हुए ना जुमे वाले दिन, ये बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, जुमा भी पढ़ते हैं, इनको कुछ कहना चाहेंगे नसीहत इनको? नहीं बहुत अच्छा माशाल्लाह जी आपने इनको मुसलमान किया है, आपको लेकिन हमने इनको वो मौलवी वाला मुसलमान नहीं किया, क्या रहमदिली करनी है, माँ बाप की खिदमत करनी है, आए गए की खिदमत करनी है, लोगों पर रहमदिली करनी है, और अल्लाह के नबी को आपने अपने बेटे बेटी बहन भाई अपने माल सबसे पहले अल्लाह के नबी के हुक्म को रखना है, ताकि ये हकूक और बाद में रोल मॉडल बने। आपने इतनी देर काम किया है पापड़ा के अंदर, आपने कई शहरों में किस किस शहर में रहे? मैं में ज़्यादा रहा हूँ। अच्छा दिलकीम खाने वाल। अभी किस जगह पे आप लगा रहे हैं एलोवेरा? कच्चा खू? मैंने आपको बताया कच्चा खू में, ये है ये तो से 15 किलोमीटर आगे वो फाटक है, फाटक पुराना जो यहाँ पे के मुल्तान में जाते थे। कितनी जगह पे लगा रहे हैं वहाँ? वहाँ फिलहाल मेरे पास 3 किलाल है। 3 किलाल पे लगा रहे हैं? खाली नहीं, वो खाली अभी 15 दिन में हो जाए, ठीक है, बाकी मेरे पास 3-4 एकड़ है, वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह अगले स्टेप पे। हाँ जी, वो 1 एकड़ अभी 3 किलाल में आपका लगना है, कितना पौधा समझ आ गई? 4500 बेड का साइज कितना बनना है? 30 इंच लेफ्ट और राइट से जो पौधा लगना अंदर को कितना रखना है? 6 इंच अंदर, ये जो 6 इंच अंदर को लगेगा ना वो देखे ना वो जितना थोड़ा सा इसकी बेड रुकता नहीं ना, खराब भी उठता नहीं, वो 6 इंच अंदर होगा फायदा ज़्यादा, बेड के अंदर होगा, अंदर होगा, साथ भी हो जाए तो ज़्यादा फायदा है। चले जी, एवरीबॉडी स्टे विद मी, ये नारा लगाएंगे।
हम शख्सियत परस्ती के खिलाफ हैं, इनको यही समझाया गया। पहला नारा आवाम का है, जिंदाबाद कह रहे हैं आवाम जिंदाबाद। ऊंचा बोले आवाम जिंदाबाद, हुक्का पी जाना सर्दी से आवाम जिंदाबाद, और इस्लाम जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड ग्रेटर पाकिस्तान जिंदाबाद। जी कैसा लगा, अच्छा लगा आपको आके? बहुत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए ये बारिश में आए, इन्होंने दोनों फॉर्म विजिट किए और ट्रेनिंग हेडक्वार्टर में भी गए। और आप लोगों को भी घर पे नहीं बैठना चाहिए, बहाने लेम एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ये आज जो आप एलोवेरा बोएंगे, ये आपकी तीसरी नस्ल भी इससे फ़ायदा उठाएगी। हमारा काड़ा जी बड़ा खूबसूरत शहर है, और काड़ा ऐसे 17 किलोमीटर ऐसे चौड़ा है, 17 किलोमीटर ऐसे, और इसमें 10 रोड जाती हैं डबल। पहले बाईपास डबल है, फिर आगे जी टी रोड डबल है, फिर बेनजी रोड डबल जा रही है, फिर एम एच ना रोड है, फिर आगे सिकंदर रोड ऐसे डबल जाती है। बीच में भी लंबाई है, ये 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर लंबी रोड है। शहर में बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, बड़ी दफा है ये। जो सिकंदर साहब ने इसमें बड़ा इसको अच्छा बना है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे आप लोग भी जब आए तो बाईपास से बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर एक फार्म है, और दूसरा फार्म 4 किलोमीटर दूर है। ओके जी, शुक्रिया।